चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड बट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज केप्ड कॉन्स्टेंट इफ द इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स बी एफ देन द फाइनल वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल भी नाउ स्नैरियो ये कि आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है आपका हमने रेडियस uh, डबल कर दिया है लेकिन ओमेगा को सेम रखा है और हमें बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा नाउ ये बात अपने को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम लिखते हैं एम ए सी और ए सी को अगर आर और ओमेगा की टर्म में लिखें इसको हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और ओमेगा स्क्वायर के राइट इस केस में ओमेगा हमने सेम रखा है तो इसका भी रोल नहीं आएगा तो आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के सो तो क्योंकि आपने आर डबल किया है तो आपका जो फोर्स सेकेंड टाइम था डिवाइडेड बाय फोर्स फर्स्ट टाइम विल बी इक्वल टू टू आर डिवाइडिड बाय आर यानी कि आपका टू सो so आपका जो न्यू फोर्स है सेंटिपिटल फोर्स डेट विल भी इक्वल टू ट्वाइस आपका जो ओरिजिनल फोर्स है उस पर एंड हैंस ऑप्शन नंबर फोर टू एफ वुड बी द राइट आंसर